Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 15, Disaster and Rescue, from class 5th EVS semester 2. Disaster and Rescue. We see and hear about many events happening around us. हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं जो हमारे आगे पीछे होते हैं. हम ऐसे इवेंट्स देखते हैं, जैसे कई बार हम लोग एक्सीडेंट देखते हैं, या कई बार हम देखते हैं कि किसी को आग लग गई, या किसी को कोई चोट लग गई, कोई गिर गया. व्हीकुलर एक्सीडेंट्स हैपेंड और अ चाइल्ड फॉल्स ऑफ वाइल फ्लाइंग काइट्स. तो हम कैसे क्या चीज़ें देखते हैं, या तो कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, यानी कोई व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते गिर पड़ा. समवेयर अ फायर में ब्रेक आउट, या फिर हमें ऐसा देखते हैं कि कहीं पे हो सकता है किसी को आग लग गई, या कहाँ किसी घर को या किसी फैक्ट्री को किसी ऑफिस को आग लग गई. समटाइम्स देयर आर फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन और सम अदर डिजास्टर. या इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, या कहीं पे फ्लड आ गया, फ्लड का मतलब बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक यानी जो आप कह सकते हो भूकंप हो गया, साइक्लोन आ गया, ये कोई मतलब किसी ना किसी तरह का डिज़ास्टर हो गया. तो सच इवेंट्स कॉज डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. तो ये जो भी डैमेज होते हैं, ये किस वजह, मतलब ये जो भी डैमेज होते हैं, ये या तो किसी पर्सनल को अफेक्ट करते हैं, या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं. समटाइम लॉस ऑफ लाइव्स ऑल्सो अकर ड्यू टू सच डिज़ास्टर. तो इसके कारण क्या होता है, जान हानि जो है वो होती है इन डिज़ास्टर्स के कारण. माल हानि तो होती है, लेकिन जान हानि भी होती है. जान हानि यानी जीवन की हानि, जीवन का लॉस. तो ऑब्जर्वेंस है, हियर यू कैन सी अ पिक्चर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो अलग अलग पिक्चर आपको दिखाई है. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर दैट इट इज़ अ ब्रिज एंड मैनी व्हीकल्स आर गोइंग थ्रू दिस ब्रिज एंड डाउन स्टेयर इन द रिवर. मतलब कुछ लोग गए हैं इस नदी में, लाइक अपने जो एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे काऊ दिख रही है आपको, या फिर जो लोग हैं वो गए हैं नहाने के लिए, बच्चे भी हैं, ठीक है. सो दे आर एंजॉइंग इन द फर्स्ट पिक्चर. नाउ सी इन द सेकेंड पिक्चर दैट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द डिज़ास्टर, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग. जो गायें हैं वो भी बहती हुई जा रही है. आप यहाँ पे एक ट्री भी देख सकते हो, नदी में एक ट्री पड़ा हुआ है. बच्चे और जो आदमी है वो भी पता नहीं इस नदी में कहाँ जा रहे हैं फोर्स के कारण, है ना. सो थिंक एंड से, कैन यू सी एनी डिज़ास्टर इन दिस पिक्चर्स. तो आपको इस पिक्चर में कोई डिज़ास्टर लग रहा है, तो यस, हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये घटना हुई है. इफ़ देर आर फ्लड इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अकर. तो यहाँ पे जो है ये क्या है, फ्लड यानी अचानक से बाढ़ आ गई, जो पानी है वो ज़्यादा आ गया, और जिसकी वजह से जो इंसान हैं, जो यहाँ पे गाय दिख रही है, ये लोग बहते हुए जा रहे हैं. तो अगर सोचिए, अगर किसी गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है, जो फ्लड आ जाती है, तो क्या होगा, कैसी प्रॉब्लम्स होंगी, व्हाट डैमेज इज कॉज ड्यू टू फ्लड्स. तो क्या डैमेज हो सकता है, तो जो घर हैं वो पानी से भर जाएंगे. अगर कच्चे घर हैं तो हो सकता है जो घर है वो टूट ही जाए, लोगों का सामान पूरा पानी पानी भर जाएगा, उसमें पानी हो जाएगा. हो सकता है सामान, मतलब जो सामान है वो पानी में बहकर कहीं और जाना शुरू हो जाए. मैंने सच सिचुएशन सीन, तो ऐसी सिचुएशन कब दिखती है, तो ज़्यादातर हमने सुना है कि जब मानसून सीज़न आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं. थ्रू वेरियस क्वेश्चंस वी हैव कम टू नो दैट अकरेंस ऑफ फ्लड इज़ अ डिज़ास्टर. तो इतने सारे जो हमने क्वेश्चंस देखे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फ्लड है वो किस तरह से हो रहा है, ये फ्लड क्या है, एक टाइप का डिज़ास्टर है. वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सच डिज़ास्टर. तो ऐसे डिज़ास्टर्स के टाइम हमको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया, और फिर कुछ जगह दी आपको लिखने के लिए. तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आप कह सकते हो जैसे ये साइक्लोन है एक टाइप का, ठीक है. तो काफ़ी हवा, तेज़ हवा चल रही है, स्टॉर्म है, आंधी जो हम कहते हैं, तो जिसकी वजह से जो पेड़ है आप देख सकते हो काफ़ी खींचे चले जा रहे हैं, लोग ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, छोटा सा बच्चा उड़ रहा है, जो रोड पे चीज़ें होती हैं वो भी उड़ रही है, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है. सो अ स्टॉर्म इज़ अकर्ड, यानी कि एक आंधी आई है. तो इसके कारण क्या होगा, मैसिव डिस्ट्रक्शन है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. अब डिस्ट्रक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, डैमेज, ये जो है रोड को, बिल्डिंग को, घरों को, सबको डैमेज कर रहा है. इट कैन कॉज इंजरी और डेथ, हो सकता है किसी को इसके कारण चोट लग जाए, या हो सकता है किसी की मौत भी हो जाए.
नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट अ हाउस इज बर्निंग है ना, द हाउस इज ऑन फायर. नाउ हाउ टू सेफली ऑपरेट अ फायर एक्सटिंग्विशर. घर में हो सकता है गलती से, अगर गलती से किसी से मतलब जो आग है अगर चूल्हे में, बिकॉज ये जो घर है ये देख के हमें लग रहा है जैसे विलेज का घर है, तो अगर चूल्हा है और किसी गलती से किसी बच्चे से जो आग है वो कहीं पे लग गई, तो हो सकता है पूरे घर में वो आग फैल गई. तो हमको किस तरह से इसको सेफली ऑपरेट करना है ताकि हम इस आग को बुझा सके. नाउ रिमेंबर टू गेट आउट, स्टे आउट एंड कॉल लोकल इमरजेंसी फ़ोन नंबर. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कहीं आग लग जाए और हमें पता नहीं है हमें क्या करना है, तो अगर घर के अंदर हमें तो पहले सबसे पहले निकल आना है, उसके बाद क्या है हम बाहर आ जाएं और जो भी लोकल इमरजेंसी फ़ोन नंबर है जो जो मतलब आग बुझाते हैं जैसे, तो उनको हमें बुला लेना है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो दैट बॉय इज़ इन द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर इज़ चेकिंग एंड नर्स इज़ स्टैंडिंग. ठीक है, तो वो ये जो लड़का है ये क्यों यहाँ पे होगा, तो देयर मे बी मेनी रीजंस बट यहाँ पे हमें जो दिया है इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड है ना. तो ये जो बच्चा है इसने शायद बाहर का खाना ज़्यादा खाया है जिसकी वजह से इसको स्टमक एक है, तो स्टमक एक है. अब ड्यू टू ईटिंग जंक फूड, आजकल क्या है बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, स्टेल फूड खाते हैं, ये जो बाहर का जो खाना खाते हैं खुला ओपन खाना खाते हैं अनकवर्ड खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से इस तरह की बीमारी होती है एंड दैट इज़ वाई दिस बॉय इज़ इन द हॉस्पिटल. नाउ अगेन हियर वन ऑब्जर्वेशन इज देयर, पिक्चर इज देयर, यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर दैट टू बॉयज़ आर देयर, वन बॉय इज़ गोइंग थ्रू द फुटपाथ एंड सेकेंड बॉय ही इज़ गोइंग थ्रू द रोड. So in the second picture, the second boy is going through the road and one car is coming, isn't it? Now in third picture, the same boy who was going through the road, so that car came and hit it. Okay, उसको उसने hit किया, जिसकी वजह से fourth picture में आप देखो उसको काफ़ी खून खून हो गया और फिर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आके खड़े हैं. Now based on that, some question answers are there. Think and say, what do you see in this picture? तो आपने इस picture में क्या देखा? तो हमने देखा कि जो दो लड़के जा रहे थे उसमें से एक लड़का फुटपाथ पे चल रहा था और दूसरा रोड पे जा रहा था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ. हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन? क्योंकि वो रोड पे जा रहा था तो अचानक से एक गाड़ी ने उसको टक्कर मारी होगी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ. नाउ हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइडेड? तो इस ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द ऑन द रोड ही शुड वॉक ऑन फुटपाथ विद अदर चाइल्ड. ओके, वॉट शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट? अब किस तरह की प्रॉब्लम्स अकर हुई होगी जब एक्सीडेंट हुआ होगा? तो उसको चोट लग गई हो सकती है, हो सकता है उसकी मौत भी हो सकती है अगर ज़्यादा खून बह गया होगा. अगर उसके साथ कोई और नहीं है बड़ा तो उसको हॉस्पिटल कौन ले जाए? हो सकता है उसकी हड्डी टूट गई होगी. तो देयर मे बी मैनी रीजन्स, मैंशन अदर सच एक्सीडेंट्स. तो ऐसे और कौन कौन से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? तो कई बार बच्चे खेलते हुए आपने देखा है कि सीढ़ी ऊपर नीचे जब वो चढ़ते हैं तो वो ध्यान नहीं रखते, दौड़ दौड़ करते हैं तो ऊपर से सीढ़ी चढ़ते या उतरते हुए गिर जाते हैं, या फिर जब वो उत्तरायण के दौरान जब वो पतंग चका रहे होते हैं तो वो ध्यान नहीं देते कि टेरेस पे जो वो पतंग उड़ाते लास्ट जगह तक पहुँच जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फॉल डाउन. सो दे आर मैनी एक्सीडेंट्स लाइक दिस. So till here, in our next video, we'll continue the chapter. Bye bye.